नामी समाज वैसे भी गुरु घासीदास बाबा जी को मानने वाला समाज है, अहिंसा का पुजारी है, क्योंकि बाबा गुरु घासीदास जी का संदेश है सत्य और अहिंसा के मार्ग में चलना, तो अहिंसा के पुजारी है सतनामी समाज। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि असामाजिक तत्व जानबूझकर प्रशासन को बदनाम करने के लिए और सतनामी समाज को बदनाम करने के लिए एक घटना को अंजाम दिए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन मैं समाज से आपके मीडिया के माध्यम से अपील करना चाह रहा हूँ कि ऐसे असामाजिक तत्वों के बातों में ना आए, ऐसे जो भड़काने वालों के बातों में ना आए, शांति व्यवस्था बना के रखें, संविधान है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कल बलौदा बाजार समेत पूरा छत्तीसगढ़ आक्रोश में था और बलौदा बाजार दंगे की आग में जूझ रहा था। आपको मालूम होगा कि बलौदा बाजार की घटना क्या थी। गिरोदपुरी के अमर गुफा में जैतखाम को काटने का, तोड़ने का एक मामला सामने आया था 15-16 मई को, और उसके बाद इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। लेकिन इस मामले को लेकर सतनामी समाज संतुष्ट नहीं था और अपनी मांगों को लेकर कल यानी कि 10 जून को कलेक्ट्रेट के बाहर में धरना दे रहे थे। लेकिन मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा वो आंदोलन उग्र हो गया कि लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में आग लगा दी, पूरी फाइलें खाक हो गई, गाड़ियों को फूंक दिया, एसपी दफ्तर तक ये आग पहुंची, जिला पंचायत परिसर तक ये आग पहुंची और मामला काफ़ी उग्र हो गया। इतना उग्र हो गया कि छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी कलेक्ट्रेट परिसर को आग के हवाले किया गया। ये इतना बड़ा मामला था और इस दंगे की आग जो है पूरे छत्तीसगढ़ में फैल गई। वो वीडियो आपने देखा होगा, कल दिन भर सोशल मीडिया पर, तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो आपने देखा होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी से कल से कायम है और कल से लोग इस पर सवाल कर रहे हैं, क्या कोई ये साजिश थी, असामाजिक तत्वों की साजिश थी, या समाज इतना उग्र कैसे हो गया? क्या जो लोग उग्र हुए हैं वो समाज के लोग थे या फिर कोई और लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है? सतनामी समाज के गुरु आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब का एक ऑडियो सामने आया है। वो ऑडियो अपील वाला ऑडियो है जिसमें वो पूरी बात कह रहे हैं, उसमें वो आशंका भी व्यक्त कर रहे हैं कि ये घटना सोची समझी साजिश हो सकती है, प्लान करके इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये प्लान करने वाले कौन लोग हैं, साजिश किसने की और साजिश क्यों की? अरंग विधायक गुरु खुशवंत साहब ने यह भी कहा है कि इस विषय को लेकर सरकार से सतनामी समाज के लोगों से लगातार बात हो रही थी। सतनामी समाज के लोगों को आश्वस्त भी किया गया था कि इस विषय को लेकर न्यायिक जांच की जाएगी, सरकार द्वारा न्यायिक जांच कराई जाएगी और शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की पूरी तैयारी थी और पूरा प्लान भी यही था। लेकिन यह आंदोलन इतना उग्र क्यों हुआ? वो कौन लोग थे जिन्होंने उग्र किया? वो कौन लोग थे जिन्होंने लोगों को भड़काया? सतनामी समाज के लोग इतने आंदोलित कैसे हो गए? शांति के मार्ग पर चलने वाले सतनामी समाज के लोग इतने हिंसावादी कैसे हो गए? ये बड़ा सवाल है और ये सवाल गुरु खुशवंत साहब भी उठा रहे हैं। इसके साथ साथ पूरा छत्तीसगढ़ भी इस पर बात कर रहा है कि सतनामी समाज के लोग इतने उग्र कैसे हो गए। बहुत कुछ होना बाकी है इस विषय को लेकर, जांच होगी, इस घटना की भी जांच होगी, जैतखाम विवाद की भी जांच होगी। जैतखाम को तोड़ा गया, क्या वो भी साजिश थी? और उस साजिश के बाद 10 जून को जो हुआ ये भी कोई साजिश तो नहीं थी? ये इसकी भी जांच की जाएगी। कल देर रात डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने काफ़ी दुख व्यक्त किया और जो लोग उपद्रव किए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात वो पहले से कह रहे थे, कल उन्होंने और कहा। लेकिन दर्द उनका भी आप सुनिए, जिनकी गाड़ियां जली हैं, जिन गरीबों की फाइलें जली हैं उस दफ्तर में जो थी, जिन लोगों को नुकसान हुआ है इसमें उनका क्या दोष? उपद्रव करने वालों के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी, कल SP सदानंद कुमार ने कहा। रायपुर रेंज IG अमरेश मिश्रा खुद डटे रहे और पूरे मौके का मुआयना किए और घटना की पल पल रिपोर्ट ऊपर उच्च अधिकारियों को, सरकार को भेजते रहे। इस विषय को लेकर आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। हम मौके के लिए रवाना हो चुके हैं, बलौदा बाजार के लिए रवाना हो चुके हैं, घटना स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं जहाँ पर ये घटना घटी है और आपको पूरी डिटेल आगे बताएंगे। आप आगे वो ऑडियो सुनिए जिसमें गुरु खुशवंत साहेब क्या कुछ कह रहे हैं, 4 मिनट का वो ऑडियो जिसको आपको सुनना चाहिए। हम गुरु खुशवंत साहेब बोल रहे हैं, आरंग विधायक। जो बलौदा बाजार की जो घटना हुई है, अभी जो जानकारी मिली है हमको कि वहाँ जो हिंसक घटनाएं हुई हैं, समाज वहाँ शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा था, तो समाज की जो मांगे थी जिसको हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डिप्टी सीएम
विजय शर्मा जी ने उनकी मांग को पूरा भी कर दिया था, जो न्यायिक जांच की मांग थी समाज की, उसको पूरा कर दिया गया है, मांग को न्यायिक जांच का आदेश भी कर दिया गया है। उसके बाद ये शांतिपूर्वक वहाँ बलौदा बाजार में आंदोलन किया जा रहा था समाज के द्वारा, कि आंदोलन करके शांतिपूर्वक ये अपन कलेक्टर को सौंपने का बात चल रही थी। और सतनामी समाज वैसे भी गुरु घासीदास बाबा जी को मानने वाला समाज है, अहिंसा का पुजारी है, क्योंकि बाबा गुरु घासीदास जी का संदेश है सत्य और अहिंसा के मार्ग में चलना, तो अहिंसा के पुजारी है सतनामी समाज। शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था और उसके बाद जब वो रैली के माध्यम से निकले तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं साजिश के तहत या सुनियोजित लग रहा है, या फिर कोई असामाजिक तत्व है जो साजिश के तहत या सुनियोजित ढंग से प्लानिंग के तहत उस भीड़ में घुसकर उस भीड़ को, उस जो शांतिपूर्वक जा रहे थे उसको उग्र करने का काम, उकसाने का काम, भड़काने का काम, और फिर इस टाइप का पथराव करने का काम, भड़का कर गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ करने का काम, ये सब करने का काम असामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग के तहत शासन प्रशासन को बदनाम करने का काम, समाज को बदनाम करने के लिए ये सारा काम किया गया ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि इसका कारण एक विशेष ये दिखाई देता है कि पूर्व में भी सतनामी समाज के आस्था को के साथ बहुत सारे छेड़छाड़ हुए हैं, लेकिन कभी कार्रवाई नहीं हुई थी। पहली बार जब से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी बने हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की शासन आई है, तो धर्म के अपमान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही है। आस्था में अगर कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो तत्काल उस पर कार्रवाई करने का काम कर रही है। चाहे अभी अमर गुफा में जब सैयद खान को काटने का काम किया गया असामाजिक तत्वों के द्वारा, तो 48 घंटे के अंदर में अपराधियों को पकड़कर जेल में डालने का काम किया गया। बलौदा बाजार के बिटकुलू में सतनामी समाज के आस्था से छेड़छाड़ हुआ तो तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई और जेल भेजने का काम किया गया। सिवरी रैन में ही ऐसी घटना हुई तो तत्काल वहां भी कार्रवाई और जेल डालने, तो तत्काल कार्रवाई हमारे शासन में हो रही है। छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। ये सारे चीजों से कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि असामाजिक तत्व जानबूझकर प्रशासन को बदनाम करने के लिए और सतनामी समाज को बदनाम करने के लिए घटना को अंजाम दिए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और निश्चित ही हिंसा के खिलाफ है हम, और सतनामी समाज भी हिंसा के खिलाफ है, और पूरा देश हिंसा के खिलाफ है। तो निश्चित ही जो हिंसा किए हैं उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं समाज से, आपके मीडिया के माध्यम से अपील करना चाह रहा हूँ कि ऐसे असामाजिक तत्वों की बातों में ना आए, ऐसे जो भड़काने वालों की बातों में ना आए, शांति व्यवस्था बना के रखें। संविधान है, संविधान हमारे, संविधान से हम बात करेंगे, संविधान के माध्यम से बातें होंगी और संविधान के माध्यम से हमें न्याय मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, अभी विष्णुदेव साय जी की सरकार जो छत्तीसगढ़ में है, वो सतनामी समाज के साथ है। हर प्रकार से किसी प्रकार का न्याय होगा तो उसमें न्याय दिलाने के लिए हमेशा कार्य करेगी। और न्यायिक जांच का घोषणा भी हो गया है। सतनामी समाज को अगर किसी प्रकार का संदेह है कि इसके पीछे कुछ और लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो निश्चित ही उस पर कार्रवाई होगी और पत्थरसाजी किया जाएगा, जांच किया जाएगा और उनको भी पकड़ कर जेल में डाला जाएगा। चूंकि सतनामी समाज के प्रमुख जनों से मेरी मुलाकात, मेरी बैठक 6 जून को स्वयं ही हो गई थी। अब इस बैठक के होने के बाद उसमें उन्होंने कहा था कि न्यायिक जांच इस विषय की कराई जाए, जो 15 और 16 की दरमियानी रात को पूज्य जैद खाम को क्षति पहुंचाने की घटना हुई थी उस पर। तो इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था कि इसकी न्यायिक जांच कराई जाएगी। उसके बाद फिर समाज के प्रमुख जनों ने भी ये कहा था कि अब इस पर कोई आगे कार्यवाही नहीं होगी, ना ही हम कोई आंदोलन करेंगे, इसलिए समाज इसमें बरी होता है, परंतु असामाजिक तत्व इसमें लगे हैं, उन्होंने गड़बड़ किया है, वो कार्यवाही तो होगी। क्यों नहीं लिया जाएगा भैया? लॉ एंड ऑर्डर, जो भी कानून होगा, कानून अपना काम करेगा, उसमें कोई क्या कर सकता है? उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता।